लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे में मिठाई की सभी शॉप्स बंद हैं। तो इस समय में मिठाई खाने की जब इच्छा हो तो आम की एक मिठाई जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आम पेड़ा इसे बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप आम का पल्प, आम को पीस लिया है। 1 कप यहाँ लिया है दूध पाउडर, 1/4 कप दूध, 1 चम्मच शक्कर, 3 से 4 इलायची का पाउडर और सैफ्रॉन केसर लेनी है। अब एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून घी डालकर उसे गर्म करेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर दूध मिला देंगे। दूध को हमें अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद इसके अंदर हमें सैफ्रॉन डालनी है, केसर डाल देंगे, केसर के कुछ रेशे। आप चाहे तो इस जगह पे केसर या कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें अच्छी तरह मिलाना है। अब डाल देंगे इसमें आम का पल्प। आप अगर ये रेसिपी, ये पेड़े ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस जगह आम का पल्प और ये सभी सामग्री डबल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने शक्कर मिला दी है और इसे हमें अच्छी तरह चलाते जाना है, नहीं तो ये तले में लग जाएगा। दो से तीन मिनट तक इसे चलाते हुए हमने अच्छी तरह पका लिया है। अब इसके अंदर दूध पाउडर ऐड करेंगे। दूध पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो शॉप में मिल जाता है। आप बड़ा पैकेट नहीं लाके छोटा पैकेट भी लेके आ सकते हैं। इलायची पाउडर भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। इसके अंदर लम्ब्स पड़ जाते हैं दूध पाउडर के, तो इसे हमें अच्छी तरह चलाते रहना है और इसकी सभी गुठलियाँ ख़त्म करनी है। इसे हमें लगातार चलाते जाना है, नहीं तो ये तले में लगने लगेगा। जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता है और ये अपना तला नहीं छोड़ देता है आम का पल्प, तब तक हमें इसे चलाना है। इसी तरह हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये 10 से 15 मिनट की प्रोसेस है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये तला छोड़ने लगा है। इसी तरह हम इसे और पकाएंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे हम 1 मिनट के लिए और इसी तरह चलाते रहेंगे। इसने पैन में चिपकना बंद कर दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्लेट में मैंने पहले घी लगाया है, इसके बाद ये पल्प ले लिया है सभी। अब इसे फैला देंगे और हल्का ठंडा होने के बाद गोल गोल घुमाकर पेड़े बनाने हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी केसर भी लगा दी है। तो इसी तरह आपके पास अगर मार्क हो, पेड़े का मार्क, कोई भी डिज़ाइन वाला मार्क, तो आप उससे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। और ये पेड़े ठंडे होने के बाद आप इन्हें सर्व कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और शानदार लगते हैं। आप इन्हें किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो कैसी लगी है वो हमें ज़रूर बताएं।